हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का थर्ड यूनिट। इससे पहले मैंने बता दूं कि जैसा कि नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं हर रात जो है 9 बजे लाइव आऊंगा 1 मार्च से। और आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन कह रहा है कि वन लिटिल किटन, यानी कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा। किटन मतलब होता है बिल्ली के बच्चे को हम किटन बोलते हैं, और लिटिल मतलब छोटा, वन मतलब एक, है ना। कह रहा है कि लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, सुनिए एंजॉय कीजिए। अब वन लिटिल किटन, एक छोटी जो है बिल्ली की बच्ची या बच्चे। टू बिग कैट्स, दो बड़ी बिल्ली। थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तीन बेबी यानी छोटे बच्चे को बोलते हैं बेबी। बटरफ्लाइज मतलब तितली। फोर बिग रैट्स, चार बड़े, बिग मतलब बड़े, रैट्स मतलब चूहे। फाइव फैट फिशेस, पांच फैट मतलब मोटे, फिशेस मतलब मछलियां। सिक्स सैड सील, सिक्स छह, सैड मतलब शांत, तो एक तरह का जानवर होता है। इसमें कई जो है सेम सील कई तरह के होते हैं। तो खैर, सेवन सिली सीगल्स, सिली मतलब होता है बुद्धू, सेवन मतलब सात, सीगल्स मतलब ये व्हाइट वाली होती है जो समुद्र के तालाब के आसपास रहती है, उसको सीगल्स कहते हैं। एट हैप्पी ईल्स, एट मतलब आठ, हैप्पी मतलब खुश, ईल्स जो है मछली को कहते हैं, एक तरह की मछली होती है उसको हम ईल्स कहते हैं। नाइन नर्वस, है ना, या परेशान जिसको कह सकते हैं। लिजार्ड चिपकली। टेन ब्रेव बीज, ब्रेव मतलब बहादुर, बीज मतलब मधुमक्खिया। 11 मतलब 11 स्मेली, यानी कि जिसमें से बदबू आ रहा हो, एलिफेंट्स। 12 फैट फ्लीज, और 12 जो है मोटे फ्लीज। फ्लीज बेसिकली फ्लाई, जो छोटे छोटे मक्खियां जो होती है ना। 13 एलिगेटर, 13 जो है मगरमच्छ है, एलिगेटर मतलब मगरमच्छ होता है। 14 व्हेल्स, 14 जो है व्हेल्स होते हैं, मछली होते हैं, व्हेल्स मछली मैमल्स होते हैं। इसको भी मैं आगे आपको ऑब्वियसली सर्च करेंगे तो समझ में आएगा। 15 डोंकीज, 15 जो है डोंकी यानी गधे। विथ 15 टेल्स, विथ मतलब साथ में, 15 मतलब 15, टेल मतलब पूछ, 15 पूछ के साथ, ठीक ठीक है। तो लालू और पीलू ये दो बच्चे हैं एक हैन के, उसके ऊपर ये कहानी है। लिसन, सुनिए और एंजॉय दिस स्टोरी, इस स्टोरी को जो है एंजॉय कीजिए। अगर देयर वाज ए हैन, है ना, वहां एक हैन था, कहां देयर है वो। शी हैड, हैव और हैड का यूज भी मैं बताऊंगा। तो हैड यानी पास्ट टेंस के लिए यूज हो रहा है। तो कह रहा है शी हैड टू, दो चिक्स, दो बच्चे थे इनके, लालू एंड पीलू, ठीक है। अब कह रहे लालू वॉज रेड, लालू वॉज मतलब था, रेड मतलब लाल, लालू जो है लाल था। ही मतलब वह, लव्ड लव करता था यानी पसंद करता था, रेड लाल थिंग्स, लाल चीजों को पसंद करता था। पीलू वॉज येलो, पीलू जो है वो येलो को पसंद करता था। ही यानी वह लव्ड, वो लव करता था येलो थिंग, है ना, और ये येलो को तो येलो कलर तो पसंद था ही, और येलो चीज भी उनको पसंद था, थिंग्स मतलब चीज। अब वन डे, एक दिन जो है लालू स्टॉप, स्टॉप मतलब देखना, उन्होंने जो है देखा समथिंग, कुछ चीज देखा। ऑन ए, ऑन मतलब ऊपर, ए प्लांट, एक प्लांट के ऊपर जो है उन्होंने कुछ देखा। इट वॉज रेड, वो क्या था, रेड था। इट मतलब यह, वॉज मतलब था, रेड मतलब लाल, वह लाल था। ही एट इट अप, है ना, ही मतलब वह, एट मतलब खाना, ईट एट इटन, ये एट मतलब खाना होता है। इसका वर्ब का जो है आप देखेंगे फॉर्म तो समझ में आएगा, ईट मतलब खाना, एट मतलब भी खाना होता है, सेकेंड फॉर्म। तो एट इट अप, ये मैं वर्ब के सारे फॉर्म भी बताऊंगा, लाइव आऊंगा, मैं सारा ग्रामर अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो ओह नो, अभी क्या था, ओह नो, इट वॉज अ रेड चिली, क्या था, इट यह, वॉज मतलब था, ए मतलब एक, रेड मतलब लाल, चिली मतलब मिर्च था, वो लाल मिर्च था। इट वॉज वेरी हॉट, और वो क्या था, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हॉट मतलब गर्म, वो क्या था, बहुत गर्म था। लालूज माउथ, लालू का माउथ जो है स्टार्टेड, स्टार्ट हो गया क्या, बर्निंग, जलना स्टार्ट हो गया, बर्निंग मतलब जलना। ही स्क्रीम्ड, ही मतलब वह, स्क्रीम मतलब चिल्लाया, वो चिल्लाया। अब आगे कह रही कि मैन कम, केम, सॉरी सेकेंड फॉर्म है कम का, तो केम यानी कि आई रनिंग, दौड़ते हुए।
और पीलू भी आया, कम केम टू, वो भी आया। ठीक, अब पीलू सेड, पीलू ने कहा, सेड मतलब कहना, आई विल गेट समथिंग, मैं लाऊंगा कुछ चीज फॉर यू, आपके लिए। पीलू ब्राउट अ येलो लड्डू, पीलू जो है क्या किया, लाया, ब्राउट मतलब लाना, ए मतलब एक, येलो मतलब पीला, लड्डू मतलब ऑब्वियसली लड्डू। तो अब कह रहा है कि लालू गॉबली गॉबल्ड, GOBBLED है ये, गॉबल्ड अप द लड्डू, उसने क्या किया, निगल लिया उस लड्डू को। हिज माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, इसका माउथ जो था, हिज माउथ यानी उसका माउथ यानी मुंह, स्टॉप्ड मतलब रुक गया, बर्निंग जलने से, है ना, नहीं अब उसके बाद नहीं जल रहा है। मदर हेन एंड लालू किस्ड पीलू, अब मदर जो थी है मुर्गी, और लालू जो था उसका भाई, किस्ड किया किसको, पीलू को। ठीक है, इसमें काफी वर्ड मीनिंग आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी तरह का वीडियो खास की आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, या मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, और किस स्पीड से या किस तरीके से आपको बेटर लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।